आज हम एक्स्ट्रा भी लगा रही है। ये लोग मिलके आज मेरी छुट्टी अच्छा भी लागत है बेटा जी छुट्टी है तरह बहुत अच्छा लागत है मुझे आपको नहीं नीक लागत है अम्मा बोल रही मैं हूँ तो अच्छा लगता है ना नीचे अच्छा नहीं लगता अच्छा लागत है छुट्टी रात है नीक लागत है बहुत अच्छा लागत है बेटा रोहान कहाँ चल रहा है रोहान अम्मा सो रहा है अभी अच्छा सो रहा अभी आएगा वो सो रहा है हाँ खाना खा के सो जाता है वो नीचे गिरा दिया पिशुप पिशुप तो देखो मैंने कल जब से वो ब्लॉग अपलोड किया ना लास्ट ब्लॉग उसके बाद से मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कल दिन भर तो फिर आपको पता है टाइम मिलता नहीं है और इफ्तार के बाद मैं निकल गया था एक मीटिंग के लिए उसके बाद आने पर लेट हो गया और फिर उसके बाद आज भी वही है तो आज सुबह क्या इफ्तार है तो यहाँ भी आजकल तामझाम इतना है नहीं ऊपर ही है तो अभी हम चले जाएंगे अभी ऊपर है कि नहीं चले जाएंगे अब ऊपर से इतने आलसी परे में क्यों बोल रहे हो आलस तो अभी आ ही रहा है आलस तो बस अब इंतजार है कि जल्दी से तुम्हारी चीजें शुरू हो उसके बाद है कि नहीं दस का है ये रोहान का है ये रोहान का क्या है चिया पुडिंग क्या फूफा चीजें आ गई है हमारे टाइम पे ये सब हुआ करता था क्या हमारे टाइम पे तो हम वो खाए करते थे सेरेलेक जो कलर में हुआ करता था याद है बड़े ज्यादा खा लेते थे शायद हाँ, और एज वाइज मंथ वाइज कलर में ब्लू आता है वो सब ब्लू रेड मतलब दो महीने का तो तीन महीने का है तीन महीने के बाद से शुरू होता है ना तो ती है तो ब्लू फिर रेड समथिंग ऐसे ऐसे अभी भी आता है वो सब ऐसा नहीं है बट इट्स जस्ट दैट मोर न्यूट्रिशनल थिंग्स जो आप घर पे फ्रेश बना के उसे दे सकते हैं जैसे ये उसके लिए फ्रेश चिया पुडिंग बन रही है कोकोनट मिल्क चिया पुडिंग मतलब क्या चिया पुडिंग माने चिया सीड्स अच्छा, जो हम भिगोते हैं उसकी पुडिंग जो आप बिल्कुल नहीं खाते जो मैं आप जिसका भाई मैं आपको जबरदस्ती पिलाती हूँ सब 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 तो ये सो क्या रहे हो अभी ज्यादा लेट नहीं हो रहे तुम रमजान में क्या मतलब रोजे रखने का स्कूल जाके आता हूँ तो बहुत ज्यादा और आज थोड़ा खेल भी लिया था फुटबॉल तो वो थोड़ा क्यों खेल लिया था सारे लोग बोल रहे थे खेल लो तो थोड़ी देर थकान हो गई ठीक है कार्डमम पाउडर तो आज मैं आपको रोहान की मिंग बता रहा हूँ देखो मेरा ये मिक्सर एक्सपायर हो चुका है लॉकडाउन में लिया था याद करो याद है अमेज़न से ऑर्डर करके लॉकडाउन में लिया था देखो दूसरा है मेरे पास ऐसी बात नहीं है मैं वेट कर सकती हूँ लेकिन ना एक ये अपने घर में चाहिए क्योंकि ये बहुत हेवी ड्यूटी है अपने घर में चाहिए मतलब एक ये भी अपने घर में चाहिए ऐसा Did you like it?
अब ये इसको पिएगा ऐसे? दो दिन पहले तुमने बात की है ना, हाँ। रोहान के जो डॉक्टर हैं, लाइक जो डाइटिशियन जो फॉलो करते हैं, तो अभी दो दिन पहले ही कंसल्ट हुआ है। अब उसके एज के हिसाब से उसके अब थोड़ा उसके डाइट में चेंजेस आए हैं। पहले सिर्फ खिचड़ी और खा रहा था, और खिचड़ी मैश पंपकिन मैश फ्रूट्स, और अब वो पोरेज अलग अलग तरीके के, अब वो दाल चावल भी खा सकता है, नहीं हाँ। और वो बेसन नहीं, हाँ, मूंग दाल का चीला दिया था, चीला भी खा सकता है। आज ओट्स का चीला खाया है सर ने ब्रेकफास्ट में, ओट्स चीला दही और पॉरिज, बनाना पॉरिज, ये सारी चीजें। तो अब ये उनका इवनिंग स्नैक है। जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है, बहुत सारी चीजें बदलती जाती हैं। But I think as long as the baby enjoys it and the baby is healthy, मतलब वो baby just कर रहा है और वो activities में healthy, ऐसे नहीं कि खाने पीने कुछ भी खाने पीने के बाद उसे gas हो रहा है, colic हो रहा है, बेचारा बच्चा रो रहा है, वो सब ना हो। और जो दो दिन में हमने notice किया है कि वो बहुत happy है health wise भी, उसका digestive system भी happy है, तो हम happy हैं। चलो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं रुहान? शालियोपी के घर इफ्तार करने, है ना? है ना? हाँ चलो चलो, हमने पहन ली टोपी रुहान। हाँ चलो चलो, बस चलो चलो जल्दी पी। हम कहाँ जा रहे हैं? बुआ के घर जा रहे हैं। हम आ गए हैं। आ जल्दी आ, जा 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 जा, सो के आ गया। हाँ जा 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 जा। ये रोज कभी ना कभी ना किसी ना किसी ट्रेनिंग कर लेता है रुहान ना, कभी अम्मी से कभी। चलो चलो चलो, हम खाना शुरू कर। ये हो गया इसका बन रहा था पपाया डाल के। चलो चलो कोई बात नहीं, पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये आज की स्पेशल लस्सी है, किसने बनाई है? मैंने बनाई है। सनी ने, मैंने बनाई। सनी ने, कोई बोले ना बोले सनी पहले बोला अच्छी बनी है, अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। अब आप भाई सही बता दो। हाँ ठीक है, अभी सही बोलो झूठ बोलो? अच्छी बनी है, वाकई बहुत अच्छी बनी है। और ये दीपिका ने रुहान के लिए कुछ तो ऑर्डर किया था, ये टमी टाइम वाटर प्ले मैट समथिंग ऐसा कुछ होता है, और पहले ही दिन रुहान ने इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसको उल्टा लिटाओ, उस पे उल्टा लिटाओ। डोलकू ये क्या है? पानी अभी भरा है। अच्छा। ओ। ओ। फिशी का है, फिशी। देखो छोटी फिशी। पापा को दिखाओ। पापा येलो फिश ली। टच टच टच। मैडम नाई नाई करते हुए कैसे लगते हैं? चुप अपने, ठीक है? टाटा। क्या ही है? हम जिम जा रहे हैं, बस्ती नहीं। टाटा। हे नमस्ते, टाटा बाय। क्या ही है? इतनी समझ आ गई? इतनी समझ आ गई? इतनी समझ? हाँ इतनी समझ कौन हो गया? टाटा।
देखो वो देखो नाखून अटक गया बाप रे कैसे देख रहे हो तू तू आ गया नाखून रोहन कहाँ जा रहे बेटा घूमने कहाँ जा रहे सुई लगवाने सुई लगवाने मुझे देख रहा है झूठ बोलती है उधर से टाइट पकड़ना फिर अभी मुझे घूमने जाना है चलो आज की इफ्तारी होगी बाहर क्योंकि आज इसका है वैक्सीनेशन डे परसों था तो हम नहीं जा पाए आज हम जाते हैं ताकि फिर हमें एक दो दिन और कुछ काम है तो वो भी हो जाएगा ये डिले नहीं होगा इसका वैक्सीनेशन आज सुई लगेगी अभी तो बड़ा को लग रहा है मैं घूमने जा रहा हूँ अभी बड़ा एक्साइटेड है उसको लग रहा है घूमने जा रहा हूँ लेकिन ये नहीं पता ही है सुई लगेगी चलो चलते हैं अभी वैक्सीनेशन आज बहुत रोया है ये बहुत रोया आज बहुत रोया है रोहन है अभी चुप हो गया और देखो पीछे ये वाली गाड़ी ये वाली सीट फोल्ड करके मस्त पीछे आराम से इसका बेड बना लिया हम अब ऐसे ही जाया करेंगे है ना तो हम लोग बैंड्रा में हैं ये हिंदुजा हॉस्पिटल वाली गली है और आज से ठीक 9 महीने पहले 21st of June आज 21st of March है 21st of June को रोहन पैदा हुआ था और आज एग्जैक्टली 9 महीने हो गए हैं एग्जैक्टली 9 महीने हो गए हैं इसको आज इत्तेफाक से उसी रोड से वहाँ से निकलना हुआ है तो मैं तुम्हें वही बोल रहा था कि आज से जस्ट 9 महीने पहले 21 को आज ही के दिन डिलीवरी हुई थी यहीं पे थे और रोहन को तुमने देखा भी नहीं था मैंने नहीं देखा हाँ बस वो एक बार जब वो हुआ था उसके बाद नहीं देखा था NIC में अब तक नहीं मिली थी तो यस कैसे वर्क बीत जाता 9 महीने का हो गया इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह सो गया है रोहन अभी और इस ब्लॉग को मैं अभी एंड करता हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं गया ना तो आज मैं डाल दूँ और इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ है नहीं ये दिस ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट रोहन 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 क्या क्या करें क्योंकि हमारी लाइफ में अभी उसके अलावा कुछ है नहीं वही पूरा सेंट्रिक है वही है और अच्छा भी लगता है आप लोगों से शेयर करना क्योंकि आप जुड़े हुए हैं इसके साथ बचपने से जब से आई थिंक बचपने से और इनफैक्ट जब से ये पेट में था तब से आप सब लोग जुड़े हुए हैं बस यही दरख्वास्त है आप सबसे कि आप सब लोग इसको दुआ में ज़रूर शामिल हमेशा रखिएगा कि अल्लाह पाक इसकी उम्र लंबी करे उसको सेहत में ज़िंदगी दे और बस अभी फ़िलहाल ये सो गए हैं मस्त सो गया है अभी ये खाना खा लिया पेट भर गया है अभी सो गया है ये Yes. अभी उस एज में है ना किसी रोज एक नई नई हरकत होती है जैसे वो टॉय मंगवाया फिर इसका खाना नया नया स्टार्ट हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने की एक एक्साइटमेंट भी होती है और आप सबका जिसने मुझे मैसेज किया है और जिनके मैसेज में नहीं पढ़ पाया हूँ सब ने मुझे बहुत सारी विशेज दी है रोहन के 9 मंथ्स के लिए आज वो हुआ तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बस याद से रोहन को हमेशा अपने दुआओं में शामिल रखिएगा जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि अल्लाह पाक उसको बस अच्छा लगे और सबकी औलादों को अच्छा रखिए और जिनके अभी तक औलाद नहीं हुई तो अल्लाह पाक सबको औलाद से नवाजे चलिए अभी 10 बज गया है नहीं 9:40 है तो मैं इंशाल्लाह जल्दी से एडिट करके इसको मैं डाल दूंगा जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग तब तक खुश रहिए प्यार बाकी अपना ख्याल रखिए जो मर्जी और करिए सही चीज़ करें जिस भी बने उसको बताइए हंसी मजाक कीजिए रमज़ान का महीना है दुआ करो जितना हो सके